कठोपनिषद के अंतर्गत तथऋषि के द्वारा प्रारंभ की हुई एक छोटी सी घटना को दृष्टांत को हम पढ़ रहे हैं। नचिकेता के पिता ने जब अशक्त गायों को दान दिया तो नचिकेता के मन में प्रश्न उठा और उसे लगा कि यह ठीक नहीं हो रहा है और इस प्रकार का दान हमें लाभ के बजाय हानि पहुंचाता है। फिर उसने पिता से पूछा, मुझे किसको दे रहे हैं? तीन बार पूछे जाने पर पिता ने झुंझलाकर कहा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। नचिकेता ने सहज स्वीकार करके और यम नाम के आचार्य के पास में जाने का विचार किया और यमाचार्य के घर पर पहुंच गए। वहां जब स्वयं आचार्य यम नहीं थे तो वो तीन दिन तक वहां भूखे प्यासे रहे और फिर जब यमाचार्य आए, उनको जब इस बात का ज्ञान हुआ तो दुख हुआ कि मेरे पास एक ब्रह्म को जानने का इच्छुक बालक किशोर आया और तीन दिन तक भूखा रहा। तो उसके दुख को हरने के लिए और अपने खेत को हटाने के लिए उन्होंने तीन वर मांगने को कहा, जिसमें नचिकेता ने पहला वर मांगा कि मेरे पिता जो मेरे से क्रुद्ध हो गए हैं, क्षुब्ध हो गए हैं, वो शांत हो, मेरे प्रति उनका पूर्ववत प्रेम हो, मेरे से पूर्ववत बातचीत करें। और यमाचार्य ने उसको ये वर दिया और कहा कि जब तुम यहां से जाओगे, मेरे पास से जब जाओगे, तो तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ पहले जैसा व्यवहार करेंगे, ठीक प्रकार से उनको निद्रा आएगी, किसी प्रकार की उनको चिंता नहीं रहेगी। पहला वर प्राप्त करने के बाद में नचिकेता ने दूसरे वर के लिए यमाचार्य को कहा, जिसको कि यहां पर 12वें श्लोक के अंदर और उसके आगे के श्लोकों में बताया गया है। नचिकेता ने देखा था कि मेरे पिताजी एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और भी यज्ञों के बारे में उसने सुना होगा, जाना होगा, तो स्वर्ग में क्या क्या होता है, क्या स्थिति होती है, इसका तो उसको बोध था। लेकिन उस स्वर्ग को, उस आनंद युक्त लोक को कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका नचिकेता को बोध नहीं था और उसको जानने की इच्छा से ही वो इस दूसरे वर को मांग रहा है। तो स्वर्ग में क्या होता है, क्या स्थिति रहती है, नचिकेता को क्या बोध था, वो नचिकेता यमाचार्य को बोल रहे हैं कि स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति। स्वर्ग लोक में कुछ भी भय नहीं है, किसी भी प्रकार का भय नहीं है। जीवन में हमको तरह तरह के भय आते रहते हैं, मनुष्य विभिन्न हानियों से भयभीत होता रहता है, लेकिन स्वर्ग लोक में जिसको नचिकेता पाना चाहता है, वहां पर सबसे बड़ी बात कि कोई भय नहीं है। स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति। और फिर यमाचार्य को कह रहे हैं कि न तत्र त्वम, वहां पर तुम भी नहीं होते हो। यहां यम यानी मृत्यु को संबोधित कर रहे हैं कि स्वर्ग लोक में मृत्यु भी नहीं होती, जिस प्रकार की इस मर्त्य लोक में, मनुष्य लोक में मृत्यु होती है, ऐसी वहां पर मृत्यु नहीं होती। न तत्र त्वम, वहां तुम भी नहीं होते हो। न जराया विभेति, और वहां पर बुढ़ापे से भी कोई डर नहीं होता, अर्थात वहां बुढ़ापा भी नहीं आता। उभे तीर्त्वा अश्नाया पिपासे, अश्नाया का मतलब है खाने की इच्छा यानी भूख, और पिपासा यानी पीने की इच्छा,
तो खाने पीने की जो इच्छा है अर्थात भूख और प्यास लगती है तो हम खाते पीते हैं, ये दोनों ही जहां पर नहीं होते, जहां की इनसे तर जाता है, भूख और प्यास की भी वहां कोई परेशानी नहीं रहती, और वहां पर शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके, उस स्वर्ग लोक में शोक से परे होकर, शोक से मुक्त होकर मोदते प्रसन्न होता है, खुशी होता है। जन्म के कारण हमको खुशी होती है, भूख प्यास से ये व्यक्ति कष्ट होता है, लेकिन उसके बाद में जब हम भोजन करते हैं, जल पीते हैं, तो उससे हमको सुख भी बहुत प्राप्त होता है। और ये संसार तो खाने पीने के ऊपर चल रहा है, उसका प्रतिदिन सुख लेता है, लेकिन ये प्रशंसा के अर्थ में नचिकेता कह रहे हैं कि वह स्वर्ग लोक में भूख और प्यास भी नहीं होती है। हम सांसारिक दृष्टि से खाने पीने के अंदर सुख देख रहे हैं, लेकिन नचिकेता इनमें भी कष्ट देख रहा है, और कष्ट देख करके प्रशंसा के रूप में कह रहा है कि स्वर्ग लोक में भूख प्यास भी नहीं होती। अगर इस संसार में भूख और प्यास नहीं हो तो संसार की गतिविधियां, इतना पुरुषार्थ होना ही बंद हो जाए। भूख और प्यास मिटाने के लिए व्यक्ति सतत प्रयत्नशील रहता है, लेकिन नचिकेता उसके अंदर भी दोष देख रहा है और इस सुख को भी सुख न मान करके दुख मान रहा है, इसलिए वो प्रशंसा रूप में कह रहा है कि स्वर्ग लोक में भूख और प्यास कुछ नहीं रहती। तो स्वर्ग का स्वरूप तो नचिकेता के मन में है, वो जानता है, लेकिन अब आगे क्या कहता है वो 13वें श्लोक में कहा, स्वत्वम अग्निम स्वर्गम अध्येश मृत्यु, मृत्यु को संबोधित कर रहा है, यमाचार्य को संबोधित कर रहा है कि तुम उस अग्नि को अच्छी प्रकार से जानते हो और उसके बारे में मुझे कहो, तुम प्रब्रूही तुम उस अग्नि के बारे में कहो, और अपने आप को वो इसके योग्य प्रस्तुत करते हुए नचिकेता कह रहा है कि श्रद्धानाय मह्यम, ये आप मुझको कहिए, मेरे लिए कहिए, मैं कैसा हूं कि मैं श्रद्धा से युक्त हूं, श्रद्धा से युक्त होकर के इस अग्नि को पाना चाहता हूं, अग्नि के बारे में जानना चाहता हूं। शिष्य गुरु के सामने अपनी योग्यता रख रहा है, अपनी सामर्थ्य को बता रहा है कि मैं वास्तव में श्रद्धा से युक्त हूं और इस अग्नि को जानना चाहता हूं, और ये कैसी अग्नि है जो कि स्वर्ग लोका अमृतत्वम भजन्ते एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण, तो स्वर्ग में जो लोग प्राप्त होते हैं, स्वर्ग में जो पहुंच जाते हैं, वो व्यक्ति अमृतत्वम भजन्ते, अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं, आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। इन शब्दों से ये प्रतीत होता है कि ये उस लोक की बात हो रही है जो कि मुक्ति कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। अगर हम दूसरे स्वर्ग लोकों की बात करें तो स्वर्ग का मतलब होता है जहां सुख की प्राप्ति होती है, जहां भी सुख की प्राप्ति होती है उसे स्वर्ग कहते हैं। इस तरह का स्वर्ग इस भूमि पर भी हो सकता है, अन्य लोक लोकांतरों में भी हो सकता है, लेकिन वहां ये सब शरीर के साथ साथ होता है, और जहां शरीर है वहां पर भूख और प्यास, जन्म और मृत्यु और भी कुछ ना कुछ भय तो अवश्य रहते हैं। इसलिए जिस स्थिति का यहां वर्णन कर रहे हैं, जहां न भूख और प्यास है, न मृत्यु है और किसी प्रकार का भय नहीं है, तो वो मुक्ति वाली बात हो सकती है, उसकी हमको यहां संगति लगानी है। तो ये उस अग्नि को जानना चाहता है जिससे कि इस स्वर्ग लोक को पाया जा सकता है। इसके उत्तर में यमाचार्य कहते हैं, प्रते ब्रवीमी तदुमे निबोध स्वर्गम अग्निम नचिकेतः प्रजानन, हे नचिकेता तेरे लिए मैं इस अग्नि का उपदेश कर रहा हूं, उसको जान, और ये कैसी अग्नि है, स्वर्गम अग्निम, ये स्वर्ग है अर्थात स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है, ये स्वर्ग को प्राप्त करा सकती है। अनंत लोकाप्तिम अथ प्रतिष्ठाम विद्धि त्वम एताम निहितम गुहायाम, अनंत बहुत बड़े बड़े लोकों की प्राप्ति कराने वाली, उनकी प्रतिष्ठा उनका आधार ये अग्नि है, और तू इसको विद्धि जान,
और कैसी है ये निहितम गुहायाम, ये गुहा के अंदर निहित है। जो उस अग्नि की बात की जा रही है जो गुहा के अंदर गड्ढे के अंदर निहित है, जो इसका कर्मकांड परक अर्थ लेते हैं वो उसका भौतिक अग्नि के रूप में अर्थ लेते हैं, और यज्ञ आदि कर्मकांडों को करने से मुक्ति की ओर का मार्ग प्रशस्त करते हैं, और जो इसका आध्यात्मिक अर्थ लेते हैं वो कहते हैं कि यहाँ हृदय के अंदर बुद्धि के अंदर जो ज्ञान रूपी अग्नि है उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है, जो विवेक रूपी अग्नि है उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। लेकिन यहाँ पर अगले श्लोकों के अंदर जिस तरह का वर्णन यमाचार्य ने किया है, वहां उन्होंने इष्टिका आदि चयन का और साधनों का संकेत रूप में उल्लेख किया, उससे पता लगता है कि यहां बाहर की अग्नि की भी बात चल रही है। और ये बाहर की अग्नि फिर गुहा में कैसे निहित है, तो एक तो यजकुंड एक गुहा होता है, गड्ढा होता है, इस रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं, और दूसरा इस अग्नि विद्या को गूढ़ रहस्य में स्वीकार करके इसको गुहा में स्थित कहा गया। ये वो गूढ़ विद्या है, रहस्यमय विद्या है, इसलिए इसको गुहायाम निहितम ये कह के संबोधित किया गया। और अब उसको नचिकेता को उन्होंने अग्नि का वर्णन किया, अग्नि के बारे में बताया, लेकिन क्या क्या बताया वो यहां पर उपनिषद के अंदर कठ ऋषि ने नहीं लिखा, केवल संकेत कर दिया कि उसे इन सब अग्नियों के बारे में बताया गया। तो 15वें श्लोक के अंदर कहते हैं, लोकादिमग्निम तम उवाच तस्मै या इष्टका यावतीर वा यथावा। ये जो सब लोकों के आदि की अग्नि है, सबसे प्रथम रहने वाली अग्नि है, उसको नचिकेता के लिए कहा, और क्या क्या कहा, या इष्टका, जो ईंटें उसमें काम में आती हैं, यज्ञ करने के लिए यज्ञकुंड यज्ञवेदी बनाई जाती है, उसमें जो ईंटें काम में आती हैं, क्या क्या ईंटें हों, कैसी ईंटें हों, इसका वहां पर उपदेश दिया। या इष्टका, जो ईंटें हैं, यावतीर्वा अथवा जितनी ईंटें ली जाती हैं उनकी निश्चित संख्या होती है, यथावा अथवा जिस तरह से वो ली जाती हैं, जिस तरह से उनका चयन किया जाता है, ये सब नचिकेता को उन्होंने बताया। और ये बताने के बाद में नचिकेता ने भी उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुना और वापस अपने गुरु को यमाचार्य को सारी बातें सुना भी दी, उसको इन्होंने उद्धृत किया। सचापि प्रत्यवदत् यथोक्तम, जैसा आचार्य ने कहा था वैसा का वैसा नचिकेता ने उसको सुना दिया, क्योंकि नचिकेता श्रद्धावान था, रुचि वाला था, इस विषय में जिज्ञासा रखता था, उसने स्वयं को श्रद्धावान भी प्रस्तुत किया, श्रद्धा से उत्साह और उत्साह से स्मृति, इस प्रकार का क्रम चलता है, तो उसको सारा का सारा स्मरण हुआ और उसने ज्यों का तो अपने गुरु को यमाचार्य को सुना दिया। और ये सुनाने के बाद में यमाचार्य को लगा कि ये बहुत योग्य व्यक्ति है, तो उसको एक बार उन्होंने और प्रदान किया। जब उसने यथावत सब कुछ सुनाया तो उससे प्रसन्न होकर के कुछ और वर दिया, तो कहा अथ अस्य मृत्यु हो पुनरेवाह तुष्ट। जब मृत्यु उससे संतुष्ट हो गया तो उसको फिर से कहने लगा, मैं इतना प्रसन्न हुआ कि कहा कि जिस अग्नि का मैंने तेरे को उपदेश किया है, आगे चल करके ये अग्नि त्रिनाचिकेता तेरे ही नाम से, नचिकेता नाम से प्रसिद्ध होगी। तो 16वें श्लोक में उन्होंने कहा, तम अब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहात्य वदामि भूयः तवैव नामना भवितायम अग्निः श्रृंकाम चेनाम अनेक रूपाम गृहाण। प्रसन्न होते हुए यमाचार्य ने नचिकेता को कहा कि मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं और तेरे को मैं एक चीज और देता हूं, और ये वर दिया उसकी यश की प्रसिद्धि का, उसके नाम का, कि ये नचिकेता का नाम आगे आगे तक की पीढ़ियों को पता रहे। तो कहा तवैव नामना भविता अयम अग्नि, ये जो अग्नि है जिसका मैंने तुझको उपदेश दिया, ये आगे चल के तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगी, और
चिंताम च इमाम अनेक रूपां गृहाण, और इस अनेक रूप वाली श्रृंखला को यानी माला को ग्रहण कर उसको विविध रंगों वाली विविध रत्नों अथवा पुष्पों से सुशोभित एक माला पहनाई, उसका उन्होंने आदर किया। अर्थात यमाचार्य जो गुरु थे उन्होंने भी अपने शिष्य का इस प्रकार से आदर किया। गुरु शिष्यों के संबंध की बात की तरफ ऋषि का संकेत है, अपने अच्छे शिष्य को भली प्रकार से आदर सत्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि गुरु भी देखता है मैं भी कभी शिष्य था, मैं भी कभी पढ़ता था, अब मैं भी इन स्थितियों से गुजरा हूं, आज ये शिष्य है, आगे चल करके ये भी गुरु बनेगा। तो गुरु का शिष्य के प्रति आदर यहां पर प्रकट किया गया है। अब ये जो सारी अग्नि थी जिसका कि वर्णन यहां पर किया गया, उसमें किन किन चीजों को लेकर के व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है, उसके लिए यहां 17वें श्लोक के अंदर बताया गया। त्रिनाचिकेतः, जिसने इस नचिकेत अग्नि को, त्रिनाचिकेत अग्नि को पालन किया है, जिसने इस अग्नि का साधन किया है, उसका यजन किया है, उसको कहा त्रिनाचिकेता। और अभी ही इन्होंने नामकरण किया था और अब स्वयं यमाचार्य अग्नि को भी त्रिनाचिकेत नाम से ही कहना शुरू कर देते हैं, उसी समय से उसके नाम का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। ये त्रिनाचिकेत कौन व्यक्ति है जो तीनों आश्रमों के अंदर यज्ञ करता है, ब्रह्मचर्य अवस्था में गृहस्थ के अंदर और वानप्रस्थ के अंदर तीनों आश्रमों में जो यज्ञ करता है उसको त्रिनाचिकेत नाम से स्वीकार किया गया। क्योंकि सन्यासी तो यज्ञ नहीं करता, वो तो अपना सब कुछ समाज के लिए होम कर देता है, इसलिए उसको यज्ञ के छूट दी गई है। तो जिसने विधिवत इन तीनों यज्ञों को, तीनों आश्रमों के यज्ञों को किया है वो त्रिनाचिकेत है। अर्थात शास्त्र में इन तीनों आश्रमों के लिए जो कर्मकांड के विधान कहे गए हैं उनका करना भी हमारे लिए आवश्यक है। त्रिनाचिकेतः त्रिभिरेत्य संधिम, ये तीन प्रकार की संधि को प्राप्त करके, तीन प्रकार की संधि की व्याख्या अनेक टीकाकारों ने अपने अपने तरीके से की है। तीन संधियों को एक जगह कहा गया माता, पिता और आचार्य अर्थात गुरु अध्यापक, और तीन प्रकार की संधियां इस प्रकार से भी लोगों ने मानी कि अपना स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों के अंदर रहते हुए इनका ठीक ठीक उचित उपयोग करते हुए जो व्यक्ति चलता है वो इन तीन संधियों को प्राप्त करके, और तीसरा अर्थ किया जाता है कि जो तीन आश्रम हैं जहां की हमको यज्ञ करने हैं उन तीनों आश्रमों के बीच की संधि, चौथा आश्रम भी संन्यास भी, उसकी संधि यहां गृहित की गई कि ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बीच की संधि उसको भी वो पार करे, ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ में जाए और गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ में जाए, तो दूसरी संधि गृहस्थ और वानप्रस्थ के बीच की स्वीकार की, और तीसरी संधि वानप्रस्थ और संन्यास के बीच की स्वीकार की। और ये सारी की सारी व्यवस्था मुक्ति प्राप्ति के लिए ही बताई जा रही है,